नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूं, जिस चीज़ को मैं तालाब में इस्तेमाल करने वाला हूं, वो है डोलोमाइट। इसके बारे में काफ़ी सारा लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग हो सकता है जानते भी नहीं है। ज़्यादातर मामलों में डोलोमाइट के जगह में हम लोग दूसरा चीज़ को इस्तेमाल करते आए हैं और फिलहाल इस डोलोमाइट का डिमांड भी बढ़ने लगा है और इसका रिजल्ट जो है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी बात आती है डोलोमाइट है क्या चीज़, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसको तालाब में इस्तेमाल करने से मछली पालन में कौन कौन से फ़ायदे हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं डोलोमाइट में असल में है क्या चीज़। डोलोमाइट चूने जैसा ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम पहले चूने का इस्तेमाल करते थे, उसमें क्या रहता था, कैल्शियम का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है, पानी में कैल्शियम बढ़ता था, उसी जगह में डोलोमाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। डोलोमाइट में कैल्शियम है लेकिन इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पैकेट में लिखा है मैग्नीशियम है, सब कुछ है और इसमें फॉस्फेट है, पोटासियम नाइट्रोजन है, इस तरह का काफ़ी सारा चीज़ जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि मछली पालन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और डोलोमाइट जो है वो चूना जैसा ही काम करता है, यानी पहले चूने का इस्तेमाल करते हैं तालाब को पानी को साफ करने के लिए, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मछली में घाव वगैरह हो जाता था तो उसके लिए भी हम थोड़े बहुत चूने का इस्तेमाल करते थे, एमोनिया मारने के लिए चूने का इस्तेमाल करते थे, वही सारा काम जो है डोलोमाइट करता है। अभी आपको ये मन में आता होगा तो फिर हम डोलोमाइट इस्तेमाल क्यों करें, जो काम मुझे चूने से हो जाता है वो उसके लिए हम डोलोमाइट का इस्तेमाल क्यों करें। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बोला जाता है इसके बारे में वो है चूना जो है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मछली वाला तालाब में इस्तेमाल करते हैं जिसमें मछली है पानी है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, यूज़ करने के बाद पानी को साफ करता कर देता है लेकिन वो चूना मिट्टी में जाके अंदर नहीं जा घुस पाती है, जिसके वजह से मिट्टी में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर पाती है, यानी पानी को ठीक कर देती है, ऊपर के सतह के ऊपर काम करती है। लेकिन बोला जाता है डोलोमाइट में ऐसा कुछ है जो मिट्टी के तली तक जा पाने का क्षमता रखती है, जिसके वजह से आप पानी के साथ साथ मिट्टी को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, मिट्टी में प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से मछली में घाव वगैरह होता है, इसके बाद एमोनिया जैसा चीज़ जो है वो मिट्टी से ही निकलता है, लेकिन हम अगर डोलोमाइट इस्तेमाल करें तो मिट्टी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके वजह से ही डोलोमाइट इस्तेमाल किया जाता है। और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सा तरीका, जैसे कि आप पहले चूने का इस्तेमाल करते थे तो चूने को पहले फुलाना पड़ता था, फिर ठंडा करना होता है, फिर इसको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन डोलोमाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें हमें मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। ये तो ड्राई फॉर्म में आता है एकदम, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको फुलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, एकदम डस्ट आता है, इसको सबसे पहले आप निकाल लें फिर इस पानी के साथ घोल के सीधा तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अलग तरह का फुला के रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अभी इसका डोज के बारे में बताऊं तो ये चूने का जैसा ही इसको डोज दिया जाता है, जैसे कि हम पहले चूने का डोज देते थे एकड़ में 15 से 20 किलो हिसाब से, वही चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, एक ही डोज होता है। कई सारे लोग जो है डोज थोड़ा कम करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है जो मछली पालन में मदद करता है तो थोड़ा बहुत कम डोज देते हैं, लेकिन डोज जो है वो चूने का डोज ही है, आप चूने का जैसे इस्तेमाल करते थे उसी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही फुलाने का ज़रूरत है ना ही कुछ करने का ज़रूरत है। अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो डोलोमाइट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने किया नहीं और मुझे लगता था इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या रिज़ल्ट आएगा, इसको बिना जाने आपको बताना भी मुश्किल है, तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया, काफ़ी दिन मैंने वीडियो को रखा, इसको नहीं एडिट किया नहीं वॉइस दिया तो मैंने रिज़ल्ट देखने के लिए छोड़ दिया, तो 4 से 5 दिन में मुझे दिखा कि पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, पानी में थोड़ा बहुत प्लांटन भी ग्रो हो रहा है और एमोनिया का जो लक्षण था वो भी थोड़ा कम हो रहा है, और मुझे लगता है जो मिट्टी में जो एक बुलबुला टाइप का बनता है वो भी कम हो गया, और इसके साथ साथ और एक चीज़ हो रहा, बहुत सारे किसान का तालाब में पानी बहुत शरीर में लगता होगा, उसमें उतरने के बाद
खुजली जैसा होने लगती है, तो वो भी ठीक हो गया। तो मैंने देखा जो इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो चूने के अगेंस्ट अगर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बुरा नहीं है, अच्छा है। और इसको इस्तेमाल करना तो काफ़ी आसान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मछली रहता हुआ आप जो तालाब में मछली है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मछली नहीं है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं चूना का इस्तेमाल तो हम हमेशा करते आए हैं, तो गाइस चूना जो है वो पानी में कम करता है। कई बार आप तालाब तैयार करते हैं उसको ठीक ठाक करने के लिए जब सूखा हुआ तालाब रहता है उस मिट्टी में हम चूने का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में काम करता है, लेकिन जब पानी हो जाए जब मछलियाँ छोड़ते हैं तो मिट्टी का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो आप बहुत आसानी से इस डोलोमाइट का इस्तेमाल करें, ये मिट्टी में जाके काम करेगी। जो मैंने पाया मिट्टी में ये काम करती है, और इसीलिए मैं इसको आपसे बता रहा हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल कर सके। और डोज तो मैंने बता ही दिया कितना है कितना नहीं है, जैसा आप पहले चूने का इस्तेमाल करते थे वैसा ही इसको इस्तेमाल करें। तो गाइस इस तरह के इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता रहूँगा, कौन कौन से ट्रीटमेंट कौन कौन सा चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ सब कुछ बताता रहता हूँ। तो इसके लिए मैं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल बटन को ऑन में जरूर सेट कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा जिससे आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। और ये जो चीज़ मैंने बताया इन्फॉर्मेशन दिया ये आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, छोटी सी वीडियो थी जो मैंने को बता दिखा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।